बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आईपी एड्रेसेस एंड सबनेटिंग के हवाले से बात करेंगे और हम इस सेशन के अंदर कंप्लीट आईपी एड्रेसेस एंड सबनेटिंग कवर करेंगे। जिस तरह हमने पहले बताया था कि आईपी एड्रेसेस जो है नॉर्मली यूज होते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर, और राउटर जो है राउटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द आईपी एड्रेसेस the IP address and there are five classes of IP addresses जो हमने पहले जिक्र किया था कि A class है, B है, C है, D, E class। ज़्यादातर हम use करते हैं A, B, C, D और E जो है, D basically reserve है multicasting के लिए और class E जो है वो reserve है experimental या research purpose के लिए, इसको use किया जाता है। अब class A की जो range है वो 1 से लेकर 126 तक है, 127 basically reserve है, ठीक है, लूप बैक आईपी है। सो 1 से लेकर 126 तक की रेंज के अंदर जितनी भी आईपी एड्रेसेस आपको रेंज के अंदर आती है वो क्लास ए को रिप्रेजेंट करती है। 128 से लेकर 191 तक जितनी भी क्लासेस की जो रेंज है वो ये रेंज रिप्रेजेंट करती है क्लास बी को, और क्लास सी जो है वो 192 से लेकर 223 तक की रेंज के अंदर जितनी भी आईपी एड्रेसेस लाई करती है दैट वुड बी क्लास सी। क्लास डी जो है बेसिकली 224 से लेकर 239 तक है, एंड क्लास ई इज बेसिकली फ्रॉम 242 to 255। अब ये हमारे पास आईपी एड्रेसेस की क्लासेस हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास एड्रेस स्पेसेस हैं जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए हैं। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर मेन डिफरेंस क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो लैन के अंदर यूज होता है, लोकली वो यूज होता है, इसका ट्रैफिक जो है वो राउट नहीं होता इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो है 10 से लेकर क्लास ए में जो है 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255, मतलब ये 255, ये 255 और ये 255। क्लास बी में जो इसकी रेंज है 172.16.0.0 से लेकर इसकी जो रेंज है लास्ट आईपी एड्रेस जो है इस रेंज के अंदर वो 172.31, देखिए 16 जो है वो 31 और 00 पे आप 255 255। देखिए आईपी एड्रेस के अंदर जो मिनिमम नंबर है वो जीरो है और मैक्सिमम नंबर जो है वो क्या है वो 255 है, और क्लास सी के अंदर जो रेंज है दैट इज 192.168.0.0, सो इट विल गोज टू 192.168.255.255 तक इसकी जो रेंज है। अब हमारे पास सबनेट मास्क किसे कहते हैं? देखिए आईपी एड्रेस विदाउट सबनेट मास्क कुछ नहीं होता, मतलब कोई भी आईपी एड्रेस जब आप अपने कंप्यूटर को देखेंगे या अपने मोबाइल फोन के आईपी को देखते हैं तो आईपी के साथ एक सबनेट मास्क भी नजर आता है। क्लास ए का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो 255.0.0.0 है, क्लास बी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो 255.255.0.0 है, जो और क्लास सी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो 255.255.255.0 है। तो ये क्या है डिफॉल्ट सबनेट मास्क? व्हाट इज सबनेट मास्क? सबनेट मास्क आईपी एड्रेस के अंदर द नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, कि उस आईपी के अंदर कितने नेटवर्क्स हैं। सो डिफॉल्ट सबनेट मास्क बेसिकली रिप्रेजेंट करती है नेटवर्क एड्रेस। अच्छा, कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आती हो, ठीक है। देखिए आईपी एड्रेस के अंदर जो है अगर आप देखें, अगर आप इन सबको ऐड करें, ठीक है, ये अगर आप सबको ऐड करें, हमने पहले जिक्र बताया था कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 over 128, ठीक है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं ये सारे सब नंबर्स को तो बेसिकली क्या आएगा मेरे पास 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1, ये आएगा आपके पास 128 + 16, ठीक है, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 255 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल, देखिए आईपी के अंदर टोटल 8 बिट्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 से हम आगे नहीं जा रहे,
क्योंकि आगे अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो फिर वो क्या होगा, 128 के बाद 256 आएगा, तो वो मैक्सिमम नंबर से जो 255 है उससे एक्सीड कर जाएगा। अब कोई भी नंबर आपके पास गिवन हो उसको आप क्या कर सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको 146 गिवन है तो इसका थ्री टू बाइनरी फिफ्टी क्या फाइव होगा? आया ना, जी 255 आया मेरे तो। हाँ, ये 255 बनेगा, ठीक है, सबको ऐड करेंगे, ये सर। ठीक है। तो अब ये है कि आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आती है इस मेथड के थ्रू कि आप बाइनरी टू डेसिमल किस तरह कन्वर्ट करते हैं। देखिए, अगर आप बाइनरी नंबर आपके पास गिवन है तो आप ये रेंज लिख दें, इसके नीचे बाइनरी लिख दें, और जिस डिजिट के अंदर नीचे वन आ रहा है, देखिए 2 के नीचे वन आ रहा है, 16 के नीचे वन है, और 128 के नीचे वन है, जिसके नीचे वन है सिर्फ उसको ऐड कर दें, सो यू विल गेट 146, ठीक है। मिसाल के तौर पर 128, ठीक है, मतलब मैं आपको कोई भी बाइनरी नंबर देता हूँ, कोई भी बाइनरी नंबर अगर हम ले लें जो 8 बिट्स का हो, अगर 8 का ना भी हो तब भी हम इसको 8 में लिख सकते हैं। मतलब मैं आपको कोई बाइनरी एड्रेस दे दूं कि मेरे पास है कोई बाइनरी नंबर है जो कि है 01000, बस जो भी 8 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 है, और मैं आपसे कहूं कि इसका बाइनरी क्या बने, इस एड्रेस का डेसिमल नंबर क्या बनेगा बाइनरी में, क्यों है, ठीक है, ये बाइनरी नंबर इसका डेसिमल क्या बनेगा। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि देखिए 128, ठीक है, 64 32 16 8 4 2 1, ठीक है। अब देखिए ये ज़ीरो जो है ये इसके नीचे आ जाएगा 128 के नीचे, ये वन जो है ये 164 के नीचे आ जाएगा, ये ज़ीरो इसके नीचे, ठीक है, 16 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर, ठीक है। अब जिसके नीचे 1 है उसको आप ऐड कर दें, देखिए 0 64 के नीचे 1 है तो 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो आंसर आपके पास जो आएगा, देखिए आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर हो तो आप बहुत आसानी से आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 जो है वो बेसिकली 85 आता है, ठीक है, ये 85। तो कोई भी नंबर आपके पास गिवन हो उसको आप आराम से बाइनरी से डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब अगर इसको मैं देखूं, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये देखिए ये बाइनरी नंबर डेसिमल, तो क्या देखिए ये इसका क्या बनेगा, लेट्स सपोज अगर इसको मैं देखूं सारे वंस हैं तो वो ऑब्वियसली क्या बनेगा, 255 बनेगा। अब ये क्या बनेगा इसका बाइनरी टू डेसिमल, देख 128 प्लस 64, ठीक है, सो जिसके नीचे 1 है उसको आप ऐड कर दे ऑटोमेटिकली, सो 160 128 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 1, तो इसका ये 197 बन गया। अब ये वाला देखें ये क्या बनेगा, ये जो पर्टिकुलर नंबर है इसका आउटपुट आपके पास क्या आएगा, ये क्या आएगा जिसके नीचे 1 है आप इसको ऐड कर दें तो ये आएगा 16 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आपके पास 19 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर हो, किसी आईपी एड्रेस का कोई बाइनरी नंबर हो, ठीक है, या कोई भी बाइनरी नंबर हो उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास कोई डेसिमल गिवन हो उसको आप बाइनरी में इसी मेथड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यही यही फॉर्मूला है, मतलब मैं रेंडमली कोई नंबर ले लेता हूँ, कि लेट सपोज रेंडमली कोई नंबर है, मेरे पास नंबर है 97 है, लेट सपोज 97 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो बेसिकली किस तरह मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, 97 में मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 64, 128 से तो इनकी तो
64 के साथ अगर मैं 32 ऐड कर दूं, 64 प्लस 32 तो वो 96 आता है, ठीक है, और इसके साथ फिर 1 ऐड कर दें तो ये ऐसा हो जाएगा। ये अगर इसको मैं लिखूं, 97 को अगर मैं लिखना चाहूं बाइनरी में, तो ये सबसे पहले 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब देखें 128 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम नंबर क्या है, 97 है, तो ये तो जीरो हो गया, 64 के नीचे 1 हो गया और 32 के नीचे 1, तो 64 प्लस 32 क्या हो गया, 96 हुआ है, तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि 96 के साथ सिर्फ हमें 1 रिक्वायर्ड है। ये भी जीरो हुआ, ये भी जीरो हुआ, ये भी जीरो, सिर्फ ये, ठीक है, तो जो नंबर बनेगा वो बनेगा 0110001, ठीक है। तो 97 को आप इसी तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कोई और नंबर आ जाए, लेट सपोज मैं कोई नंबर बता दूं आपको कि कोई भी रैंडम नंबर आप मुझे आफाक बता दे, इसको हम कन्वर्ट करें। जहन में कोई नंबर आ रहा है बता दे सर, कोई भी हो, डिजिट्स कितने भी हो, कोई कोई भी आप बता दे मुझे ताकि इसको मैं कन्वर्ट करूं। सर 0100, नहीं नहीं डेसिमल बता देना ताकि बाइनरी में कन्वर्ट करूं। डेसिमल सर 157, 157, ठीक है, तो 157 के अंदर 128, ठीक है, अगर हम देखें ना तो मेरे पास फार्मूला है 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ठीक है, 128 के नीचे हम 1 लिख देंगे, तो एक 128 हो गया 157 के अंदर, 64 जीरो हो जाएगा इसके नीचे क्योंकि 128 के साथ अगर आप 64 ऐड करेंगे तो वो 157 से एक्सीड कर जाएगा, इसलिए इस 64 के नीचे मैंने जीरो लिख दिया। 32 के नीचे हम 1 लिख देंगे, सो 128 प्लस 32 क्या बन गया, 160, ये भी एक्सीड कर जाता है तो ये भी जीरो हो गया, ठीक है। 16 के नीचे अगर हम 1 लिख दें और सो 128 प्लस 16 ये क्या बन गया, 144 बन गया, प्लस 8, प्लस 8 अगर हम कर दें तो 152 बन गया। हमें और कितना चाहिए, 152 के साथ 5 चाहिए, तो एक 4 के नीचे 1 हो जाएगा, ये 2 के नीचे 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर बना वो है 1001101, तो इस तरीके से कोई भी नंबर को आप आराम से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आईपी एड्रेसिंग में, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पे ना इस वर्कबुक को अगर आप डाउनलोड कर दे, इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा, नेट पे अवेलेबल भी है, तो ये इससे आप डिफरेंट डेसिमल नंबर जो गिवन है ये आपके पास, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी मेथड के थ्रू, ठीक है। अब आपके पास है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का एड्रेस। अब देखिए 10.255.1.1 ये कौन सी आईपी है, क्लास ए की है। 150.10.15.0 ये कौन सी है, क्लास बी की। अच्छा ये कौन सी है, 192.14.2.0 ये सी है सर। ये सी है बिल्कुल। 148 ये डी सर। ये बी है क्योंकि देखिए आपको रेंज का आइडिया हो, यस सर, आपको रेंज का आइडिया हो, रेंज कुछ ऐसी है कि जब आपको रेंज मालूम हो तो कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपके सामने आता है तो आप फिर उसको आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जीरो से लेकर 126 तक कोई भी आईपी एड्रेस अगर आ जाए इसकी रेंज के अंदर तो वो क्लास ए, ठीक है। तो कोई भी आईपी एड्रेस जो स्टार्टिंग जो है वो 0 से लेकर 126 के दरमियान हो तो वो क्या है, क्लास ए। बेशक वो आईपी 1.1.1.1.1 ही क्यों ना हो तो वो बेसिकली क्या होगी, क्लास ए की आईपी एड्रेस। अब देखें जो क्लास बी की आईपी एड्रेस है वो 128 से लेकर
191 तक है। अब इसके दरमियान कोई भी आईपी रेंज जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो क्लास बी। क्लास सी जो है वो 192 से लेकर 223 तक है, ठीक है, 192 से लेकर 223 तक। तो ये हमारे पास क्लास सी की है। और क्लास बी डी जो है वो 224 से लेकर 239 तक है, और फिर 240 से लेकर 255 तक क्लास ई की आईपी एड्रेसेस हैं। तो ये रेंज अगर आपको मालूम हो सो यू कैन इजीली गेट कि कोई भी आईपी अगर आपके सामने आ जाए सो आपको पता हो कि ये किस क्लास की आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए ये जो है बी है, ये सी है, ये ए है, ये 220 जो है ये सी है, अब 230 जो है ये किस में, डी में है, क्योंकि डी के जो रेंज है वो 223 से लेकर 249 तक है। तो ये डी है, ये बी की आईपी एड्रेस है, ये क्लास ए है। अच्छा, ये 240 ये क्या है, क्लास ई की है, क्योंकि वो टू लास्ट जो आईपी रेंज है वो 240 से लेकर 255 तक है। 190 क्लास सी, 117 क्लास ए, 215 जो है वो क्लास सी, 199 क्लास सी, 95 क्लास ए, 33 क्लास ए, दिस वन इज क्लास बी एंड दिस वन इज क्लास सी। तो कोई भी आईपी रेंज गिवन हो तो इसके सामने आप आराम से लिख सकते हैं कि किस रेंज की आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक होता है होस्ट आइडेंटिफिकेशन और नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। एक होता है नेटवर्क पोर्शन, एक होता है होस्ट पोर्शन। हमने पहले बता दिया था कि क्लास ए के अंदर जो है, क्लास ए के अंदर नेटवर्क पोर्शन कम है और होस्ट पोर्शन ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख दूं कि जो बेसिकली क्लास ए है, क्लास ए की जो आईपी एड्रेस है उसमें 8 बिट जो है वो नेटवर्क पोर्शन है और 24 बिट्स जो है वो क्या है, वो होस्ट पोर्शन है, ये क्लास ए है। क्लास बी की आईपी एड्रेस के अंदर 16 बिट्स जो है वो नेटवर्क है और 16 बिट जो है वो होस्ट है, और क्लास सी के अंदर 24 बिट जो है वो नेटवर्क है और 8 बिट जो है वो क्या है, वो होस्ट है। मतलब हर एक आईपी एड्रेस की लेंथ, आईपी वर्जन 4 की जो लेंथ है वो कितनी है, 32 बिट्स है। 32 बिट्स में जो फर्स्ट 8 बिट्स है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लास्ट 24 बिट जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 8 मींस 2 to the power 8, तो इतने इसमें नेटवर्क है, 2 to the power 24 इतने इसमें होस्ट है। क्लास ए के अंदर होस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, नेटवर्क पोर्शन कम होता है। क्लास बी के अंदर होस्ट पोर्शन नेटवर्क पोर्शन बराबर होता है। क्लास सी के अंदर आपके पास नेटवर्क पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है और होस्ट पोर्शन बहुत ज़्यादा कम होता है कंपैरेटिवली। तो ये आपको आइडिया हो। अब जो हमारे पास आईपी एड्रेसेस है, ये आप क्लास को देखें, किस क्लास की आईपी है उसमें नेटवर्क पोर्शन कौन सा होगा, होस्ट पोर्शन कितना होगा, तो उसको आप सर्कल करें। अब 177.100.18.4 ये क्लास बी की आईपी एड्रेस है। क्लास बी के अंदर 16 बिट नेटवर्क पोर्शन होता है, 16 बिट होस्ट पोर्शन होता है। तो देखिए 8 bit, तो ये 16 bit नेटवर्क पोर्शन हो गया और ये 18.4 ये क्या है, होस्ट पोर्शन है। क्लास ए के अंदर उसको सर्कल करें, क्लास ए के अंदर 8 bit नेटवर्क पोर्शन है और 24 bit होस्ट पोर्शन है। अब ये कौन सी आईपी एड्रेस है, 209, ये सी, क्लास सी है। क्लास सी में फर्स्ट 8 bit, फर्स्ट 24 bit जो है वो नेटवर्क पोर्शन है और लास्ट 78 डिजिट जो आप नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, ये होस्ट पोर्शन है। ये भी क्लास सी की आईपी एड्रेस है। क्लास सी के अंदर फर्स्ट 3 जो है ये नेटवर्क पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट जो है वो होस्ट को। ये कौन सी आईपी एड्रेस है, 117 अफाकी कौन सी आईपी है, किस क्लास की आईपी है अफाक, आप सुन रहे हैं मुझे? ये सर, ये कौन सी क्लास की आईपी है, ये ए क्लास है। ए क्लास के अंदर नेटवर्क पोर्शन कितना होगा, 32 सर। एक क्लास ए के अंदर नेटवर्क पोर्शन 8 बिट का होता है और होस्ट बिट का होता है
होस्ट पोर्शन होता है. 16. तो पहले 117 जो है ये नेटवर्क पोर्शन है और ये आखिरी तीन जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये क्या, ये क्लास सी है. क्लास सी के अंदर फर्स्ट थ्री डिजिट जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जीरो जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्योंकि देखिए हर एक आईपी एड्रेस जो है टोटल 32 बिट लेंथ का होता है. 8 बिट और 8 बिट टोटल 32 बिट्स है. आप इसी तरीके से आप होस्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब आप देखिए ये कौन सा आईपी एड्रेस है, ये है क्लास सी. क्लास सी के अंदर फर्स्ट 24 बिट जो है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये नेटवर्क पोर्शन हो गया. इसमें होस्ट पोर्शन क्या है, ये 2 जो नजर आ रहा है ये होस्ट पोर्शन है. तो आप कोई भी आईपी अगर आपके पास गिवन हो उसके क्लास आपके आपको आइडिया हो जाए तो आप नेटवर्क पोर्शन को और होस्ट पोर्शन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर मेरे पास ये आईपी एड्रेस है, ये वाली, ये किस क्लास की आईपी एड्रेस है, ये क्लास ए की आईपी एड्रेस है क्योंकि इसकी रेंज जो है 1 से लेकर 126 के दरमियान है. तो क्लास ए की आईपी एड्रेस के अंदर फर्स्ट जो है 8 बिट जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेटवर्क को. तो ये 25 जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेटवर्क को और ये 250.135.46 रिप्रेजेंट कर रहे हैं होस्ट को. ठीक है, अब ये वाली आईपी एड्रेस जो है 171, ये क्लास बी की आईपी एड्रेस है. क्लास बी की आईपी एड्रेस के अंदर 16 बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 16 बिट होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसमें ये फर्स्ट 2 जो है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये लास्ट 2 जो है ये होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये किस क्लास की आईपी एड्रेस है 55.250. जी बताएं. बी क्लास सर. 55 से स्टार्ट है. 55 से क्लास ए की रेंज कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 126 तक है. तो ये क्लास ए सर, एम है ये. क्लास ए सर, एम है. इसके अंदर नेटवर्क पोर्शन कितना होता है, 8 bit sir. 8 bit. तो ये first 55 network portion है और ये आखिरी 3 bit क्या represent कर रहे हैं, ये host को represent कर रहे हैं. Yes sir, host. ये किस class की IP address है sir? ये A में. हाँ, A में. A है. तो A में network portion कौन सा network portion होगा इसमें sir? ये 10 ये लिखा है. 10 network है. इसमें host कौन सा है? 251.1. हाँ exactly. अब ये किस क्लास की आईपी एड्रेस है, 193.42.1. ये सी क्लास. सी क्लास. इसमें नेटवर्क पोर्शन कौन सा होगा सर? 193. नहीं, नेटवर्क पोर्शन इसमें ये तीनों नेटवर्क पोर्शन में आएंगे क्योंकि क्लास सी में फर्स्ट 24 जो है बिट्स वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लास्ट बिट जो है होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये तीन नेटवर्क हो गए, ये इसमें होस्ट हो, लास्ट वाला होस्ट. हाँ. अब अगर आपके पास कोई आईपी गिवन हो तो इसके नेटवर्क एड्रेस यूजिंग द आईपी एंड सबनेट मास्ट शो राइट आउट द नेटवर्क एड्रेसेस. देखिए हर एक इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा. ठीक है, नेटवर्क एड्रेस वो होता है जिसके नीचे, ठीक है, जो 55 इसके नीचे आ रहे हैं वो इसका नेटवर्क रिप्रेजेंट करेगा. क्लास बी की आईपी एड्रेस है. ठीक है, तो इसका नेटवर्क क्या रिप्रेजेंट करेगा, 188.10.0.0. ठीक है, ये क्या है 10.10.10. तो इसमें जिसके नीचे 255 आ रहे हैं तो वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि सबनेट मास्क रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स. समझ आ गया? यस सर. बहुत आसान है. देखें जिसके नीचे 255 है तो वो लिख दें, जिसके नीचे 255 नहीं है उसको 00 लिख दें. देखिए 10 के नीचे 55 है, 10 के नीचे 255 है, 48 के नीचे 255 है. तो हमने इन तीनों को लिखा, जिसके नीचे 0 है, 80 के नीचे 0 है, तो 80 को हमने 0 लिख दिया बस. जिसके नीचे 0 है उसको 0 लिख दिया, जिसके नीचे 255 है उसको उसी हालत में रहने दें. अब इसका क्या बनेगा, इसका ये इसका नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा, 192.149.24 और 191 नहीं बनेगा ना, 1910 हो जाएगा, इसकी जगह 0 आ जाएगा. हां, अब ये इसका क्या बनेगा, इसका 150.203.0.0.0. बिल्कुल ऐसा ही है. इसका क्या बनेगा नेटवर्क एड्रेस,
एक 10 होगा और आगे सारे जीरो आगे होंगे। सारे जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है ये नेटवर्क एड्रेस। अब होस्ट एड्रेस क्या होगा, जिसकी नीचे जीरो है वही लिखेंगे और बाकी नहीं लिखेंगे। तो जिस तरह 188.10.18.2 है, होस्ट लास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इसमें क्या, इसके नीचे इसको जीरो जीरो कर लेंगे और ये अपनी जगह पे लिख लेंगे 18. अब इसका क्या बनेगा, इसका होस्ट एड्रेस 0.0.0.11 exactly. इसका क्या बनेगा 0.0.230.19 exactly. बस ऐसा ही आपको समझ आ गया। अब डिफॉल्ट सबनेट मास्क हमने बता दिया था कि किस आईपी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क कौन सा है। हमने ये बता दिया था कि अगर क्लास ए की आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर आपके पास आईपी एड्रेस जो है, अगर आईपी एड्रेस जो है वो क्लास ए की है, ठीक है, तो क्लास ए के साथ क्या होगा, क्लास ए की आईपी एड्रेस के साथ डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो लगेगा वो लगेगा 255.0.0.0, ये डिफॉल्ट है। क्लास बी के साथ जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क लगेगा 255.255.0.0, और क्लास सी के साथ जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क लगेगा 255.255.255.0, ठीक है। तो क्लास ए की आईपी एड्रेस के साथ आप ये लिखेंगे सबनेट मास्क, क्लास बी की जब आईपी आती है उसके साथ आप ये सबनेट मास्क लिखेंगे, क्लास सी के साथ जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो आप ये लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, ये किस क्लास की आईपी एड्रेस है, ये क्लास बी की है, तो बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है 255.255.0.0.119, क्लास ए का है, क्लास ए का 255.0.0.0। ये क्या है, ये क्लास सी है, क्लास सी के लिए हम क्या लिखेंगे 255.255.255.0। ये कौन सा है, ये किस क्लास की आईपी एड्रेस है 223, क्लास सी, क्लास सी। तो इसका सबनेट मास्क क्या बन जाएगा, 3255 आ जाएंगे और 10 आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है, ठीक है। इसका क्या बनेगा 10.10.250.250.1, इसका एक 255 और आगे 30, आगे 30, गुड, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अब हम जाते हैं आईपी एड्रेस का, हमें आइडिया हो गया कि आईपी एड्रेस है क्या और आईपी एड्रेस को हम किस तरह आईपी एड्रेसेस की आइडेंटिफिकेशन भी हमें समझ आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर आप लोगों को समझ आ गए तो इंशाल्लाह फिर आप सबनेटिंग करना भी आप लोगों को आसान होगा। हमें ये बताया गया है कि सबनेट में कि आपके पास नेटवर्क एड्रेस जो है वो 192.10.10.0 है, और इसमें जो नंबर ऑफ नीडेड सबनेट है वो 14 है, और नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट कितने हैं 14 है। तो इसका क्या बना है, इसके ये चीज़ें आप फिल करें, ये किस क्लास के आईपी एड्रेस है, इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, इसका कस्टम सबनेट मास्क क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स इसमें कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, नंबर ऑफ एड्रेसेस यूजेबल कितने और नंबर ऑफ बारो बिट्स कितने हैं। तो देखिए ये पहला तो इन्होंने सॉल्व किया है, तो हम इसको ही देखते हैं। 192.10. ये किस क्लास की आईपी है, सी, सी, तो इसने आगे सी लिख दिया। अच्छा, इसका ये क्लास सी की आईपी एड्रेस का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, यस सर, ये 255.255.0, ये समझ आ गया। अब यहाँ तक ये समझ आ गया, लेकिन ये है कि कस्टम सबनेट मास्क इसका क्या होगा, डिफॉल्ट तो यही है, लेकिन जब आपके पास 14 और 14 आपको ये दे दिया गया तो जरूरी नहीं कि आपके पास सबनेट मास्क यही वाला रहे, सबनेट मास्क आपके पास क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व किस तरह करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम सबसे पहले मैं शेयर कर देता हूँ IP address, मुझे आईडिया लगता है 192.10.10.0। ठीक है, तो IP address क्या है 192.10.10.0।
वी क्लास सी क्या है इसमें, यूजेबल होस्ट कितने हैं, 14 है, 14 इसमें नेटवर्क से, 14 इसमें क्या है, होस्ट है। देखिए अब 14 नेटवर्क, 14 होस्ट का ये मतलब है, ठीक है, कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे वो 14 होंगे, और हर एक नेटवर्क के ऊपर 14 क्या होंगे, होस्ट होंगे। नेटवर्क होस्ट के अंदर क्या है कि होस्ट कितने कंप्यूटर्स या कितने डिवाइसेस उसके साथ क्या हो सकती है, उसके साथ ऐड हो सकती है। तो ये क्या है, ये सबसे पहले तो हमें ये पता लगा कि ये आईपी एड्रेस जो है वो क्लास सी की है। क्लास सी का जो सबनेट मास है वो 255.255.255.0 है, ये हमें पता लग गया, ठीक है। अब 14 जो है, अगर हम 2 टू द पावर देखें, 14 किसकी इक्वल है, 2 टू द पावर क्या आएगा, 2 टू द पावर 4 अगर हम ले लें तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 16 की, 16। क्योंकि आपके पास आईपी के अंदर 16 आप ले सकते हैं, 2 टू द पावर आप नंबर लेंगे उससे कम या ज्यादा, और 2 टू द पावर 39, 2 टू द पावर 4 जो है होस्ट है। तो इट मींस कि देखिए ये जो है, ये जो 155 है इसके आगे आप क्या लगा देंगे, 4 वंस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए 1 रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को, 0 रिप्रेजेंट करता है होस्ट को, तो 2 टू द पावर 4, ठीक है, कितने रह गए बाकी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने होते हैं, 16 होते हैं, तो ये क्या रह गए, 4। तो जब देखिए हमने अभी पहले स्टार्ट में हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़ा था, तो ये जो है इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, ये देखिए मैंने आपको बता दिया था कि इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे इस नंबर को तो ये होगा 128 64 32 16 8 4 1, ठीक है। तो ये जो है इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा, इसको अगर आप ऐड करें 128 64 32 16, जब इनको आप ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 240 आपके पास आंसर आएगा। तो ये जो इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास हो, जो कस्टम सबनेट मास हो गया वो 255 अपनी जगह पे आ गया, 255 अपनी जगह पे आ गया, 255 अपनी जगह पे आ गया, और ये क्या बन गया, 240। ओके, देखिए टू नेटवर्क बेस क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 टू द पावर 4, 4 नेटवर्क बेस है 16, ठीक है, क्योंकि हम 3 नहीं ले सकते, तो 2 टू द पावर 3 लेंगे, 2 टू द पावर 3 वो 8 आएगा, 8 जो है नेटवर्क तो है वो 8 नहीं है ना, हमारे पास 14 है, तो हम 2 तो ज्यादा ले सकते हैं लेकिन हम कम नहीं ले सकते, सो 240 आपके पास है। अब अगर हम देखें, ठीक है, तो ये 4 4, और कितने बिट हमने बारह किए, 4, क्योंकि पहले 0 था, 0 के साथ हमने क्या लगाया, 4 बिट्स लगा दिए। तो अब हम आगे एक क्वेश्चन करते हैं, शायद इससे आपको और आइडिया हो जाए। अब हमारे पास जो आईपी एड्रेस गिवन है वो क्या है, ये हम थोड़ा सा ताकि ये हेडन हो जाए। आईपी एड्रेस क्लास बी की है, हमें होस्ट कितने चाहिए, नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं, 1000, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट कितने हैं, 64। तो चलो ये आईपी अगर आप लिख लें, आईपी जो है वो 165.100.0 है, आईपी हमारे पास है 165.100.0.0। अब ये किस क्लास की आईपी है, बी के, सबसे पहले तो ये सॉल्व हो गया। इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255, डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0, सेकंड का ये आंसर हो गया। थर्ड, इसमें कितने होस्ट थे, 1000, 2 टू द पावर 1000 कितने बनेंगे, आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन करें के 2 टू द पावर अगर हम ले लें, 2 टू द पावर अगर हम 8 ले लें तो वो क्या बनता है, 256। अगर हम 10 ले लें, 2 टू द पावर 10, तो क्या बनेंगे, 1024 बनेंगे।
तो हम 10 ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो यूजिबल होस्ट है वो कितने 1000 है, तो 2 to the power 10, तो इट मींस कि 255.255 के बाद जो है आप 10 लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते, तो इसलिए मैं आगे गया हूँ क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स क्या है 8 है, तो आगे कितनी बिट रह गया 2, तो 2 लिख दें और 8 आप क्या लिख दें होस्ट, क्योंकि हर एक के अंदर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स जो है वो 8 है, तो 2 अगर 1 हो गए तो रिमेनिंग कितने 0 रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, 255.255 अपनी जगह पे आ गया, ठीक है, सारे अगर 1 हो तो ये एक्चुअली इक्वल होते हैं 255 के, ये हमने पढ़ लिया था। अब ये क्या है 1 1, इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 128 + 64, तो ये आंसर बनेगा 192, तो ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है इसका, तो ये कस्टम सबनेट मास्क था, ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। 12 बिट्स कितने हैं, ये वाले आपके पास 12 बिट्स, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, 1024 मैक्सिमम होस्ट इसमें कितने हैं 64 है, क्योंकि 8 आपके पास 6 आपके पास रह गए होस्ट, और ये आपके पास क्या है नंबर ऑफ यूजेबल एड्रेस। अब अगर मैं कोई और, ये भी आसान है, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हमें समझ आ जाए, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कह देता हूँ, मैं आपको कह देता हूँ कि आपके पास कोई आईपी एड्रेस है जो कि है 192.168.10.0 है, और मैं आपसे कहूं कि इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, इसका डिफॉल्ट इसका क्लास क्या होगा, क्लास हम बता दें, डिफॉल्ट सबनेट मास्क बता दें इसका, इसका कस्टम सबनेट मास्क बता दें, इसका साथ में इसके अंदर जो मैंने बता दिया कि इस हमें 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 कितने सबनेट्स चाहिए, सबनेट्स हैं लेट्स सपोज है 64, ठीक है मैंने 64 कह दिया, बल्कि सबनेट्स हैं 32, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास होस्ट भी आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ यूजेबल इसके सबनेट कितने होंगे, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट कितने होंगे, ठीक है, तो इसके हमने आंसर करने, और नंबर ऑफ 12 बिट्स कितने हैं बिट्स को हमने, तो ये देखिए सबसे पहले क्या है किस क्लास की आईपी है, तो वो क्लास सी की आईपी है, आईपी का पता लग गया, क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0, सेकंड का भी हमने आंसर कर दिया, कस्टम सबनेट मास्क ये कहाँ से बनेगा, ये हम नंबर ऑफ सबनेट्स को देखेंगे, 32 सबनेट्स, सबनेट्स मींस के नंबर ऑफ वंस, इस 255 के बाद कितने नंबर ऑफ वंस है, तो 32 किससे बनता है, अगर हम 2 to the power 4 ले लें
तो वो 16 बन जाता है। अगर हम 5 ले लें, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 क्या बनेगा, 32 बनेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5, तो ये 2 टू द पावर 5 जो है 32 बनते हैं। तो हम जो सबनेट वहाँ से वो इस तरह लिखेंगे डिफॉल्ट के 255.255.255.5 वन्स लिखेंगे, 5 वन्स हो गए, 1 2। अब इसमें हम कितने और जीरो लगा सकते हैं, 3। टोटल आपने क्या करना है, इसको इक्वल करना है 8 बिट्स तक। तो इसको बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करें, 255 अपनी जगह पे, 255 अपनी जगह पे आ जाएगा, 255 अपनी जगह पे आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 124। अगर हम 255 माइनस 1 माइनस 2 माइनस, तो ये आएगा 248। तो ये क्या बन गया, कस्टम सब निर्माण इसका क्या बन गया, सॉरी ये थोड़ा सा मैं ठीक है, ये मैंने ज्यादा लिखे तो ये 255 है बेसिकली। तो ये बन गया नंबर ऑफ यूजेबल सबनेट्स कितने हैं, तो ये 32 आपके पास आ रहा है। नंबर ऑफ होस्ट जो है वो 3, 2 टू द पावर 8 क्या बनेगा, 2 टू पावर 3 8 होस्ट होंगे, 12 बिट्स आपके पास, ये 5 आपके पास 12 बिट्स। तो ये जो है इससे आपको आइडिया हो सकता है, ठीक है। कोई भी आईपी एड्रेस आ जाए तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास एक और क्वेश्चन अगर आ जाए, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे पास, डिफरेंट इन अ सेंस है कि ये जो आ रहा है, ये जो स्लैश 26 है, इसका मतलब ये है सेडर, इसको हम सेडर कहते हैं, क्लासलेस एंटर डोमेन राउटिंग। इसका सिंपल मतलब है कि इतने नंबर ऑफ वंस, मतलब 26 नंबर ऑफ वंस इन अ सबनेट, इसका ये मतलब है। मतलब अगर आपसे कोई ऐसा कोई नंबर दे दे आपको, कोई भी आईपी एड्रेस हो, ठीक है, कोई भी आईपी एड्रेस हो आपके पास, मिसाल के तौर पर मैं दोबारा यहाँ पे आता, ठीक है, कोई भी आईपी एड्रेस, मतलब 192.168.10.1 हो, स्लैश 26 है, तो स्लैश 26 का मतलब है नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ 26 नंबर ऑफ वंस इन अ सबनेट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 24 हो गए, कितने रह गए, 24 के बाद 2 और बाकी कितने, ये सारे 0 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब, तो ये सबनेट किसकी इक्वल हो जाएगा, ये 255.255.255. ये सारे वंस हो, 8 वंस हो तो 255 के इक्वल है, सारे वंस हो 255, ये सारे 255, और ये किसकी इक्वल है, इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 128 + 64, ये 192। इट मींस कि अगर आपके पास ये आईपी है और इसका सेडर क्लासलेस एंटर डोमेन राउटिंग 26 है, तो इसका सबनेट मास्क कस्टम ये बनेगा। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास एक आईपी है 10.10.10.1 है, लेट्स सपोज, और ये है इसका सेडर 12 है, तो 12 का क्या मतलब होगा, 12 नंबर ऑफ वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 dot, 8 हो गए, टोटल कितने, 4 वंस और हमने ऐड करने, 1 2 3 4, अब बाकी सारे क्या हो जाएंगे,
बाकी सारे जीरोस हैं। ये 80 हो गए, एक दो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, इसको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, 255 की इक्वल होगा। ये जो है ये किसकी इक्वल होगा, ये बेसिकली अगर हम देखें ये 128 + 64 + 28 + 64 + 32 + 16 ये 240.0.0 80 जो है वो बेसिकली किसकी इक्वल है, ये जीरो की इक्वल है, ये जीरो की इक्वल है। देखिए कोई भी आईपी आपके पास गिवन हो स्लैश ये CIDR तो इसको इजीली आप उससे क्या बना सकते हैं, आप उससे सबनेट बना सकते हैं। समझ आ गया ये? ये सर। तो अगर आपके पास यहाँ पे जो आईपी गिवन है 26 है तो 26 सेडर अगर CIDR गिवन है तो ये इसकी सबनेट मास्क क्या बनेगा, 192। इसके जो बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है वो ये बनेगा। अब 192 के अंदर कितने आपके पास हो सकते हैं, इसके अंदर कौन सा, देखिए इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। 192 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर कितने नंबर आप नेटवर्क बनते हो, कितने होस्ट बन सकते हैं। तो देखिए 92 जो है 192 बेसिकली किसकी इक्वल है, ये तो ये 11 रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, होस्ट को। तो 2 to the power कितने वन है, 2, तो इसमें क्या है 4 आपके पास क्या है सब नेटवर्क से, और 8 जो है 2 to the power 8 सॉरी 2 to the power 6 क्योंकि 6 नंबर ऑफ 6 0 है और 0 रिप्रेजेंट करता है होस्ट को। तो 2 to the power 6 जो है वो किसकी इक्वल होगा, 2 to the power 6 जो है वो इक्वल होगा 64 का। तो इसके अंदर क्या है 64 इसके साथ होस्ट है और इसके अंदर सबनेट्स जो है 4 है। लेकिन देखिए सबनेट्स ये होते कि जो यूजबल सबनेट्स होते हैं ना, जो यूज होते हैं बेसिकली, अच्छा ये क्लास बी है, सॉरी ये क्लास, मैं क्लास सी को समझ रहा था। अगर क्लास सी की आईपी हो तो ये है, लेकिन अगर क्लास बी गिवन हो तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आईपी हमारे पास क्लास बी की है तो क्लास बी के हिसाब में ये होगा कि ये वाले बिट्स भी आप ऐड करेंगे, ये वाले, क्योंकि क्लास बी के अंदर ये आखिरी 8 बिट्स जो है वो रिप्रेजेंट, आखिरी 16 बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं उसमें ये नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो 10 ये 8 हो गए, 8 और 2 ये हो गए बेसिकली 2 to the power 10 तो ये हो गए 1024 है, और ये जो है ये तो अपनी जगह पे 64। अच्छा अगर ये सेम क्वेश्चन हम ले लें, ये सेम क्वेश्चन अगर हम ले लें लेकिन ये आईपी जो है हम क्लास सी को रिप्रेजेंट कर ले तो फिर आपके पास ये क्या होगा, ये क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। अब सेम आईपी को, अभी सेम क्वेश्चन को हम क्लास सी की आईपी के साथ देख रहे हैं, ठीक है यही सेम क्वेश्चन, ओके मैंने क्लास सी की आईपी के हिसाब से देखा था, देखिए मैंने क्लास सी की आईपी ली तो फिर क्लास सी की आईपी के हिसाब से क्या आएगा, क्योंकि उसमें क्लास सी में आखिरी जो है बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फिर 2 to the power 2 और 2 to the power 8 होस्ट अपनी जगह पे रहे, 2 to the power 6 और ओके 6 नंबर ऑफ जीरो है तो फिर ये डिफरेंट हो जाएगा। अब ये इसको अगर हम देखें नेटवर्क एड्रेस, ये किस क्लास की आईपी है कोई बता सकता है, किस क्लास की? क्लास सर, हाँ ए क्लास, सी क्लास, सी, ये क्लास सी की आईपी है। क्लास सी के रेंज जो है, क्लास बी के रेंज जो है वो 128 से लेकर 191 तक है। ये आईपी जो स्टार्ट है 210 है, क्लास सी की जो रेंज है वो 192 से स्टार्ट है 223 तक, तो ये क्लास सी की आईपी है। तो अगर हम ये वाली आईपी ले ले, ये सेम आप अगर हम आईपी ले ले, ठीक है,
इस क्लास इस आईपी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास की जो आईपी है अगर हम इसको हम ले लें आईपी हमारे पास कौन सी दोबारा देख लेते हैं। आईपी है 210.100 आईपी जो है वो है 210.100.56.0। तो ये किस क्लास की आईपी है, ये सी क्लास की आईपी है। सी क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0। इसका कस्टम सबनेट मास्क क्या होगा, कस्टम सबनेट मास्क हमें कहां से पता चलेगा, इसके नंबर ऑफ सबनेट्स और नंबर ऑफ यूजिंग होस्ट से हमें पता चलेगा। वो क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या होता है, गिवन होता है, तो वो है 6 नंबर ऑफ सबनेट्स है और 30 आपके पास क्या है होस्ट है। 6 आपके पास क्या है सबनेट्स है और 30 होस्ट है, तो ये क्या बन जाएगा 6 सबनेट। तो 6 सबनेट जो है इसके अंदर यहाँ पे चेंज आ सकता है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 255.255.255.6 नंबर ऑफ सबनेट। 6 सबनेट जो 2 to the power अगर हम 3 ले लें तो आपके पास 6 सबनेट्स होंगे, ठीक है। और अगर हम 2 to the power 4 ले लें, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हम 4 ले सकते हैं, तो फिर क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा 4 ले ले तो आपके पास ये बन जाएगा ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उससे काम चल जाएगा 2 to the power 3 से। इसको पहले इस अंदाज में देखते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, फिर बाद में इसको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस को भी देखते हैं। मिसाल के तौर पर 6 आपके पास सबनेट्स हैं, तो इसमें 6 सबनेट्स का ये मतलब है कि ये टेक्स्ट फिर मैं ले लूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। 6 सबनेट का ये मतलब है कि 255.255.111000 ये क्या है 255.255.255.192 + 192 + 32 = 224। तो इसका ये सबनेट मास्क ये आ जाएगा। फिर इसके अंदर 2 to the power 1 और ये 2 to the power 5 ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ होस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आपको कोई एक क्वेश्चन भी समझ आ जाए तो ये बाकी आप सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कमिंग सेशन के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये सारे क्वेश्चन जो है इसके सॉल्व कर लें, आईपी और सबनेटिंग के। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके पास गिवन है इन सब को वन बाय वन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये करना होगा कि ये क्लास को आपने पहले आपको ये क्लास ये जो अभी हमने पढ़ा ये कंप्लीट आपको आना चाहिए। तो इतना काफी है अभी के लिए? यस सर काफी है, आके हमारा एक क्विज भी है तो वो भी तैयार करना। ठीक है सही है, ठीक है चलो अल्लाह हाफिज। ठीक है सर एंड अब जी जी अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज।